हेलो हेलो गैजेट ब्रूट देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे Vivo X50 Pro का PUBG टेस्ट। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये फ़ोन जो है वो PUBG को हैंडल करता है एक्सट्रीम यहाँ पे फ्रेम रेट्स पे, क्या ये फ़ोन हीट होता है, क्या ये फ़ोन जो है वो सर्वाइव कर पाता है, क्या ये फ़ोन की कैसी ये PUBG यहाँ पे खेलता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अब हम यहाँ पे खेल रहे हैं यहाँ पे टीम डेथ मैच यहाँ पे PUBG का, तो आप उसको एंजॉय करो और उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। Team match, let's go. First point for the red team. Reloading. Clear. Enemy down. Killing spree for the blue team! Nice shot! Clear! Target down! The blue team is in the lead. Reloading! No mercy! Cover me!
Spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is about to win! तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि PUBG जो है ये फोन यहाँ पे काफी अच्छा खेल, इसमें मिलता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर जो कि काफी अच्छा है यहाँ पे गेमिंग को लेके। बट यहाँ पे Vivo का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना अच्छा नहीं है, वो इतना वेल बैलेंस नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। 90 हर्ट्ज़ की इसमें डिस्प्ले मिलती है तो परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक मिलती है यहाँ पे PUBG में। लेकिन अगर आपको यहाँ पे PUBG के लिए फ़ोन लेना है तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में जो ऑफर्स लगा के Vivo X50 Pro मिलता है 42,500 में, तो आप मत लेना, क्योंकि इस प्राइस में आपको यहाँ पे OnePlus 8 मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे कोई और सब डिवाइसेस मिल जाएंगे जिसमें आपको Snapdragon 865 या 865 Plus मिल जाएगा जो कि ROG 3 में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको PUBG के लिए फ़ोन लेना तो ये वाला फ़ोन आप मत लेना। ये फ़ोन उनके लिए है जिनको यहाँ पे कैमरा चाहिए या फिर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।